नमस्कार साथियों, आज है 15 मई। तो 15 मई के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गहलोत सरकार ने रीट अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। 46,500 पदों के लिए आवेदन वो 20 मई तक कर सकेंगे और आवेदन तो 2023 में मिलेगी इनको नियुक्ति लेवल 1 और 2 के लिए। MGS की स्नातक स्तरीय परीक्षा 19 से शुरू होगी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली, 16 तारीख को जारी होगी लिस्ट। और PTET आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है। नेक्स्ट, 10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए 2000 से ज़्यादा भर्तियां यहां पर हैं। और RBSC Grade 2 भर्ती परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और 28 मई को होगी ये परीक्षा। आरपीएससी ने जो 9780 पदों के लिए सेकंड ग्रेड के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे उसमें 12 लाख अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ अध्यापक के लिए फॉर्म भरा। आयोग देगा एक बार संशोधन का अवसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कोटा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों की वहां पर भर्ती स्वीकृत हुई। फूंक फूंक कर कदम, सुरक्षित केंद्रों की कमी रही तो कई चरणों में होगी परीक्षा। 2 की जगह 4 दिन में होगी रीट। करीब 12 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं सेकंड ग्रेड के भी। अधिकांश परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 12 लाख रीट के भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं शाला दर्पण में ऑनलाइन चढ़ा रहे शिक्षक डाटा, शिक्षकों की परेशानी दूर, अब एक क्लिक पर मिलेगी अंक तालिका। राजस्थान APRO भर्ती परीक्षा है, उसका परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। 24 अप्रैल को आयोजित हुई थी ये परीक्षा। आज के समाचार यहीं से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।